नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये वाटर लिली के प्लांट को दिखाऊंगी जो मैंने अभी परचेज रिसेंटली ही किया हुआ है, और ये बड़ा ही हेल्दी प्लांट है, बहुत ही बड़ा प्लांट है। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था जितना बड़ा उन्होंने प्लांट दिया हुआ है। और ये मुझे मिला हुआ है 150 का, तो ये देखने में तो बहुत हेल्दी है। और इसके पत्ते भी उन्होंने एक छोटा सा पॉन्ड बना रखा है, उसमें ही वो उगाते हैं और प्लांट्स देते हैं। तो आप ये देखिए कितने बड़े बड़े इसके पत्ते हैं। और आपको इसमें लगी हुई कलियों को भी दिखाऊं, ये देखिए इस तरह की इसमें कली भी आई हुई है। और इसकी जड़ें आप देखिए, ये मैं हाथ से उठा रही हूँ, इसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि ये कितनी अच्छी जड़ें हैं इसकी। और इसे मैं आज कैसे लगाते हैं आज इसी को दिखाऊंगी। और लोकल नर्सरी से ही मैंने अपने यहाँ की एक लिया हुआ है, हालांकि बहुत हेल्दी प्लांट है और बहुत ही मैं संतुष्ट हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्लांट मुझे दिया है। अब इसे लगाने का जो तरीका है, तो मैंने एक ये बड़ा सा जो गाय को खिलाने के लिए लोग नाद रखते हैं उसी तरह का, देखिए ये एक नाद ले लिया हुआ है। और ये लगभग 1.5 फुट ऊँचा है गहरान इसकी, जो लगभग 1.5 फुट है, और 2 फुट के करीब में इसकी चौड़ाई है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो लगभग 2 फुट के करीब में है, और 1 या 1.5 फुट की, 1.5 फुट की लगभग ये ऊँचाई है, गहरा बहुत है। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लगाने का जो तरीका मैं बताने वाली हूँ कि ये जो तली है इसी तली में पहले हम गोबर की खाद बिछा देंगे, क्योंकि इसको क्ले सॉइल में लगाया जाता है, जैसे कि मिट्टी नीचे बैठी रहे और पानी ऊपर ऊपर साफ रहे। और उसमें अगर हम गोबर की खाद डाल देंगे तो उससे क्या है कि वो पूरा घुल करके पूरा ख़राब सा मिट्टी हो जाएगा। तो सबसे पहले बेस में हम नीचे गोबर की खाद एक लेयर लगाएंगे, और उसके लिए मैंने गोबर खाद ले रखी है। ये देखिए फ्रेंड, ये गोबर की खाद है और ये लगभग 1 से 1.5 किलो है। मैंने अच्छी खासी गोबर की खाद में डाल रही हूँ ताकि इसे करीबन 1 साल तक मुझे कुछ देना और ना रहे अलग से। तो ये नीचे के तले में हम बिछा देंगे ऐसे। अब ये पूरा अच्छे से इसको दबा दबा के बिठा लेते हैं। और ये बहुत ही लगभग 1 साल पुरानी गोबर की खाद है, पूरी तरह से ये डीकम्पोज है। अब हम इसके ऊपर मिट्टी लगाएंगे, इसे खूब अच्छे से आप दबा दीजिए, और इसमें कुछ रेसे वगैरह हों तो आप उसे निकाल दीजिए। ये बोरी में रखा हुआ था गोबर, जिससे कि बोरी रखे रखे फट जाती है गल करके, तो वही उसके एक आधी रेसे हैं, और इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने गोबर की खाद को वो खूब अच्छे से इसको दबा दिया है। अब हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। अब हम इसमें ऊपर एक लेयर पूरी मिट्टी की लगाएंगे, वो मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ, बहुत भारी है। और ये जो सॉइल मैंने ली हुई है ये मैंने नर्सरी वालों से ही मांगा हुआ है, क्योंकि ये पूरी देखिए क्लेई सॉइल है, एकदम चिकनी मिट्टी है, पीली मिट्टी है। कोई कोई चिकनी मिट्टी काली होती है और कोई कोई पीली होती है, तो ये पीली वाली चिकनी मिट्टी है। और इसे वैसे तो ये आधा पूरा भर गया है, लगता है मुझे कुछ मिट्टी निकालनी पड़ेगी। और इसे मैं अच्छे से लगा करके तब आपसे मिलती हूँ। पूरी इसमें हमने अच्छे से, आप देख पा रहे होंगे इसमें अच्छे से लेवलिंग कर ली है ताकि ये पूरी मिट्टी बैठ जाए अच्छे से। और इसमें जो मिट्टी और पानी का रेशियो रहेगा वो लगभग 1/3 का रहेगा, कि एक हिस्सा इसमें आप मिट्टी डालिए, एक हिस्सा या 1.5 हिस्सा भी डाल सकते हैं, और सब जगह खाली रहनी चाहिए, पानी रहेगा। तो अब ऐसे ही हम इसमें मिट्टी जो लगा रहे हैं वो खूब अच्छे से ऐसे बिठा लेते हैं, एकदम प्लेन कर लेते हैं। हालांकि ये जो छोटी छोटी मिट्टी है ये अपने आप धीरे धीरे भीग करके और इसमें पूरी बराबर हो जाएगी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि किनारे के साइड वाटर लिली को हमेशा एक किनारे पर लगाया जाता है और इसकी जड़ें गोल गोल घूमती रहती हैं, तो एक किनारे ही हम इसमें लगाते हैं और ऐसे जगह बना लेंगे और इसकी जड़ों को रखने के लिए। हालांकि बहुत बड़ी जगह, बड़ी जड़ है इसकी, कुछ एक जो पत्ते होंगे वो मैं काट भी दूंगी बाद में, 1-2 दिन बाद, तुरंत ही ना काटें क्योंकि अभी ये रिपोर्टिंग शॉक में भी रहेगा और पत्तियां भी कट जाएं तो हो सकता है थोड़ी उसको दिक्कत हो सकती है। और ऐसे एक जगह बना ली, क्योंकि बहुत बड़ी जड़ है तो हम पूरा नीचे तक ऐसे इसमें जगह बना लेंगे। और अब हम प्लांट को रखेंगे,
तो रखने के लिए मैं थोड़ी मदद लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ थोड़े आप देख ही रहे हैं गंदे हैं, तो मैं किसी से मदद ले लूँगी। फ्रेंड इसकी देखिए जड़ें कितनी बड़ी हैं, और इसे अब मैं लगाती हूँ, और यहाँ पे इसको हम बिठाएंगे अच्छे से। और ये जो मिट्टी है इसको हम अच्छे से लगाएंगे, और अगर कम मिट्टी लगे तो थोड़ी मिट्टी आप और बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी मैं इतना ही रहने देती हूँ। और ये देखिए ऐसे एक किनारे जो इसकी पत्तियाँ हैं, इसकी जो पत्तियाँ हैं ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी सी हैं, तो कुछ एक को मैं एक दो दिन में काट भी दूंगी। जैसे ये एक्स्ट्रा हैं, इसमें पत्ते नहीं हैं, ये देखिए, तो इसे भी मैं काट दूंगी। और अब हम इसको क्या करेंगे कि ऐसे इसको एक किनारे कर देंगे इनकी पत्तियों को। और ये देखिए इसके इसका जो कली लगा हुआ है वो भी है इसमें, और इसको मैं पूरा पानी से फिल कर दूंगी, यहाँ तक पूरा, यहाँ तक हम पानी से इसको फिल कर देंगे, पूरा ऊपर तक भर देंगे, और इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो इस तरह से हमारा जो प्लांट है वो लग करके तैयार हो जाएगा। और इसमें अगर फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो अभी तो इसमें कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, और बाद में इसमें थोड़ी सी DAP एक कागज़ की पुड़िया में, जो छोटी सी पोटली बना करके और ऐसे नीचे मिट्टी में ऐसे दबा दिया जाता है, तो वो भी इसमें काम करता है। लेकिन अभी इसमें कोई लगभग 15 से 20 दिन तक कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से प्लांट रेडी हो जाएगा। और अब मैं अब इसको पानी डाल करके आपको दिखाती हूँ। अभी फ्रेंड मैं देखिए पाइप लगा दी हूँ, इसमें पानी जा रहा है, और पूरा इसको फिल कर लेते हैं पानी से। और ये अभी थोड़ा सा आपको मटमैला पानी दिख रहा होगा, लेकिन ये है कि धीरे धीरे करके ये मिट्टी बैठ जाएगी और ये कलर एकदम वाइट हो जाएगा, जैसे नॉर्मल सा पानी होता है उस तरह से ही ये सारा हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसके लगा लिए हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा प्लांट है, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी बड़ा है। और फिर ये जो कली खिलेगी, देखिए कली लग करके भी आई हुई है, कली खिलेगी तो इसकी अपडेट मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको देती रहूँगी, और इसके साथ और क्या क्या ट्रीटमेंट करना है वो मैं आगे की वीडियो में शेयर भी करूँगी। अभी तो आप फिलहाल लगाना ही देखिए। तो मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।